जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 173 पे ये एक्सरसाइज आपको नजर आ जाएगी <coughs> इसमें कुछ गिवन डाटा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं गिवन ये है कि ए सी वन सेंटीमीटर बी सी टू टू सेंटीमीटर हमें गिवन है लाइन सेगमेंट और एंगल सी है विच इज़ एन ओपट्यूज एंगल बिकॉज इट इज़ ग्रेटर दैन नाइन्टी सो सी एंगल जो है वो ओप्टूज एंगल होगा वन डिग्री गिवन है और वो कह रहा है कि ए बी की लेंथ कंप्यूट करें और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपने देखना और सामने कुछ हिंट टाइप वैल्यूज़ दी हुई हैं कि सी डी इक्वल्स टू बी सी कॉज वन एटी माइनस सी डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू दैट पहले तो हमें इसकी फिगर uh, बनानी होगी तो सबसे पहले मैं फिगर इसकी बना लेता हूँ और फिर हम उस फिगर के मुताबिक हम डिस्कशन uh, करते हैं कि हमने ए बी कैसे फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम uh, जो है वो उसको कैसे कंप्यूट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ना फिगर बना के दिखाता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी कैसे बनेगी इसकी जी स्टूडेंट्स uh, ये फिगर मैंने बनाई है ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी अभी आप इसे कह सकते हैं ठीक है जी और इसके वो अपोजिट साइड जो हैं वो ए के अपोजिट हम स्माल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और बी के अपोज़िट साइड को हम स्माल बी से और सी के अपोज़िट साइड को स्माल सी से अब चूंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं ना ए सी इज़ टू वन सेंटीमीटर तो ए सी के मिडिल में चूंकि बी आ रहा है तो ऑबियसली तो, uh, ये फिर बी वन सेंटीमीटर होगा और फिर आगे वो कह रहा है गिवन में कि बी ए सी टू सेंटीमीटर है तो बी सी के सामने तो ए आ रहा है ना स्मॉल ए इसलिए हम इसे टू सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कहता है कि लेंथ ऑफ ए भी आपको एक कंप्यूट करनी है उसको फाइंड करने तो ए बी की लेंथ सी से रिप्रेजेंट हो रही है तो डेफिनेटली हमें सी फाइंड करना होगा और अगेन एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो भी हमें फ़ाइंड करना होगा अब एरिया ऑफ़ ट्राइंगल में जो है अब डेफिनेटली आपको पता है कि एरिया ऑफ़ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ़ बेस इंटू हाइट बेस तो चलें ठीक है ए सी आ रही है उसको हम लगा लेंगे हाइट यहाँ पे गिवन uh, नहीं है क्योंकि सी एंगल जो मैंने बनाया ना अकॉर्डिंग टू गिवन दैट इज़ वन ट्वेंटी डिग्री तो इसको जैसे ये उपटूज एंगल एक ट्राइंगल बन चुकी है तो उपट्यूज एंगल का जो हाइट uh, होती है उसकी जो अल्टीट्यूड होता है वो आउटसाइड द ट्राइंगल बनेगा सेम लाइक एस थ्योरम नंबर वन एट इसी चैप्टर का तो वो फिर मैं हाइट जहाँ भी बनाता हूँ और फिर थोड़ा सा मुझे uh, जो बेस है इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा उसको भी एक्सटेंड करते हैं और फिर देखते हैं कि इस ट्राइंगल uh, की जो शेप है वो किस तरह की बनती है वो मैं अब हाइट यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ ये स्टूडेंट्स मैंने इसकी हाइट बना दी है और साथ में इस बेस को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा अब चूंकि ये दोनों नई लेंथस आ गई हैं बी को मैंने एच से रिप्रजेंट कर दिया है एच फॉर हाइट और ये भी मुझे फाइंड करना है और सी की लेंथ को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दी है ये स्मॉलर एक्स लिखा हुआ है इसको ज़रा देख लीजिएगा तो ये भी मुझे देखना है तो इन दोनों को मैं फ़ाइंड करना है अब डेफिनेटली uh, हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं जो अनऑन एन तो हमें एक्स भी फाइंड करना है एच भी फाइंड करना है और सी भी हमें फ़ाइंड करना है तो ये तीन चीज़ें हैं uh, जिसको हम अब फाइंड करेंगे लेकिन उसके लिए फिर हमें ये भी तो देखना होगा कि फिर हम क्या करें सोल्यूशन करने के लिए तो डेफ़िनेटली आपको नज़र आ रहा है साफ पता चल रहा है कि ये फर्स्ट uh, थ्योरम को रिप्रेजेंट करें तो ऑप्टूज एंगल का जो थ्योरम है तो ऑफकोर्स हम वो थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अप्लाई क्या करना है आपने सिंपली उसका जो टू प्रूव है वो यहाँ पे लिख देना है और प्रूव की जो स्टेटमेंट है और उसकी प्रूव की स्टेटमेंट वहाँ से आप देख लें बेशक थ्योरम में से ज़ुबानी आती है तो बहुत अच्छी बात है आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ वो ये कहते हैं कि उसका प्रूफ जो है कि ओप्टूज एंगल की जो अपोज़िट साइड होती है उसका अपने स्केल लेना है वो इक्वल होगा सम के किसके सम के आ, जो अपटूज एंगल जिन साइड्स ने कंटेन किया हुआ है उनके स्केर्ल्स की और फिर आपने उसके साथ प्रोजेक्शन के लिए चूँकि प्रोजेक्ट किए तो आप प्लस भी लिखेंगे और ट्वाइस करेंगे एक तो बेस और फिर उसके साथ जो आपने प्रोजेक्शन की है सी तो वो मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ कि हमारा टू प्रूव अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या होगा ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा सी स्केर इक्वल्स टू ए स्केर ये वाली साइड और प्लस बी स्केर प्लस टू इंटू बेस ए सी ए सी के तो नाम हमने आ, जो है वो बल्कि इसमें हमारे पास बी सी आती है ना तो बी सी इंटू आ, हमारे पास आ जाएगा एक्स जो हमने प्रोजेक्शन की हुई है वो हमने यहाँ पे लिख देनी है तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इस थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ किए ये स्टूडेंट्स थोड़ी सी आप चेंजिंग कर लीजिएगा ये बेसिकली ए नहीं है ये बी है क्योंकि यहाँ पे बेस हम लिखते होते हैं ये बी बे, बेस आ जाती है टू इंटू बेस इंटू प्रोजेक्शन तो हम इसको यहाँ पे ये यह लिख देंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम का जो प्रूव है टू प्रूव ये वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया अब इसमें वैल्यूज़ लगा लें जो जो आपके पास गिवन है सीज के तो ऑफ कोर्स हमें फ़ाइंड करना वैसी है ये वैसे ही रहेगा ए की वैल्यू गिवन है वो लगाएं बी की लगाएं टू की वैल्यू फिर बी की देन एक्स जो है वो फाइंड करना होगा तो वो लिख के देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास बचती है और फिर हमें क्या और हमारी फाइंडिंग्स होंगी ये स्टूडेंट्स मैंने आ, उसमें वैल्यूज लगा दी हैं ए की वैल्यू ऑब्वियसली आपको नजर आ रही है टू है तो टू स्केर लिख दिया बी की जगह वन उसका स्केर है टू की जगह टू आ गया बी की वैल्यू वन था तो वन लिख दिया और एक्स तो ऑफ कोर्स हमें फ़ाइन करना है तो वो लिख दिया अब इनका स्केयर ओपन कर लिया और फिर हमने फोर और वन को ऐड किया तो दैट विल बी इक्वल्स टू फाइव प्लस टू एक्स अब हमें सी स्केयर हमें फ़ाइन हो जाएगा अगर हमें एक्स का पता चल जाए तो एक्स के लिए हमें हेल्प करेगी ये वाली जो स्टेटमेंट है सी डी इज़ इक्वल टू बी सी ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है इस पर आप वैल्यूज़ पुट करें इस स्टेटमेंट को दोबारा कॉल करें यहाँ पे और इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको यहाँ से एक्स मिल जाएगा तो वो मैं ये स्टेटमेंट दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ और लिख के उसमें वैल्यूज जो है वो लगा के आपको दिखाता हूँ ये नहीं स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए इसी स्टेटमेंट को यूज़ किया सी डी की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक्स है तो एक्स लिख दिया बी सी यहाँ पे जो है बी सी की वैल्यू ये वाली है ना बी सी तो विच इज़ इक्वल्स टू ए और वो टू था तो हमने इस वैल्यू टू लिख दिया है कास की जगह काज लिख दिया वन ए टी इक्वल टू वन ए एंड माइनस सी एंगल विच इज़ एन एपट्यूज एंगल तो है तो उसको हमने यहाँ पे वन ट्वेंटी लिख दी माइनस कर दिया फिर कास सिक्सटी का लीटर से आप कैलकुलेट करें तो आपको आंसर वन बाई टू मिलेगा तो टू और वन बाई टू कैंसिल हो गया और एक्स हमारे पास बड़ी आसानी से आ गया अब ये जो एक्स की वैल्यू वन है वो अपना ये ये नंबर वन में पुट कर देंगे ठीक है तो इसे हमें सी स्केर विल बी इक्वल्स टू फाइव प्लस टू इंटू वन आ जाएगा सो सी स्केयर विल बी इक्वल्स टू फाइव प्लस टू सेवन और टेकिंग अंडर रूट जब आप इसका कर लेंगे तो सी हमारे पास ऑब्वियसली आ जाएगा अगर हम देखें तो टेकिंग अंडर रूट करना पड़ेगा ना तो टू पॉइंट फोर सिक्स फोर सिक्स ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा डेफिनेटली ये सेंटीमीटर्स में है तो हमने सी को फाइंड कर लिए तो ये लें स्टूडेंट्स सी हमने फाइंड कर लिए है एक फाइंडिंग तो हमारी ओके okay हो गई है क्लियर हो गई है बल्कि दो हो गई हैं एक्स भी हमने फाइंड कर लिया बातों बातों में एच जो है ये हाइट है हाइट हमें अभी भी चाहिए इसको हमें फ़ाइंड करना होगा तो हाइट के लिए हमने करना क्या है कि ये जो आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है ना बी डी सी ये जो बी डी सी ट्राइंगल है मैं यहाँ पे छोटी सी बना के आपको दिखाता हूँ कि किसकी मैं ये ये बात कर रहा हूँ ये स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल की बात हो रही थी मैंने ये सेपरेट बना दी इन्हीं में से बाई निकाल दी है बी डी सी ट्राइंगल इस पर आपने राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑफकोर्स आप इस पर पथाग्रेस थ्योरम में अप्लाई करेंगे उसको अप्लाई करते हुए हमने हाइट को फाइंड के लिए ये देख लें आपको नजर आ रहा होगा एच के पी स्केयर प्लस पी था तो पीस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना था तो वो फिर हमने सेपरेट कर लिए वैल्यूज़ लगा दिए और हमारे पास जो हाइट है दैट इज़ इक्वेज टू अंडर रूट थ्री हमारे पास आ चुकी है तो एच बी फाइंड हो गया अब आखिरी बात रह गई है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने हैं तो यहीं पर ही कहीं साइड पर यहाँ पर ही मैं आपको फ़ाइंड करके दिखा देता हूँ एरिया ऑफ़ ट्राइंगल अब चूँकि ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है तो इसकी जो बेस है ये जो आपकी बेस है ये ऑफकोर्स वन सेंटीमीटर है और अल्टीच्यूड या हाइट जो है वो अभी अभी हमने फ़ाइंड किया है अंडर रूट थ्री इसको हम अप्लाई करते हुए तो वो हाफ बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और बड़ी आसानी से हमारे पास आंसर आ जाएगा तो वो मैं भी आपको इसका एरिया फाइंड करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ़ ट्राइंगल ए बी सी जी स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू तो हाफ बेस इं हाइट आपको आई होप आपको नज़र आ रहा होगा ये ये नहीं आप देख लें और हाफ की जगह हाफ लिख दिया बेस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ए सी है बेस उसकी वैल्यू वन है और हाइट अपने रिसेंटली फाइंड की है दैट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री तो अंडर रूट थ्री बाई टू हमारा आंसर आ गया और अगर आप इसे कैलकुलेट कर लें अंडर रूट पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स सेंटीमीटर्स के लिए हमारा एरिया आ चुका है तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इसको नोट कर लें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अब बेसिकली हम जो एक्सरसाइजिज कर रहे हैं ये हमने जितने भी थ्योरम्स किए हैं उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है इन आवर डेली लाइफ क्वेश्चंस तो इसको नोट कर लीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे आपने ज़रूर बताना है